एवरीवन, वेलकम टू क्रिएशंस ऑफ कृति। कैसे हैं आप सभी लोग? जस्ट होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी लोग को लटकन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है जिसको मैंने 4x5 इंच का एक स्क्वायर पीस ये कट किया है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के ऊपर रख के फोल्ड करना है। देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक डोरी ले ली है। मैंने यहाँ पे ये रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो घर का भी बना हुआ ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो ज़्यादा। अब हमें कुछ इस तरीके से डोरी को बीच में रख के इस तरीके से फोल्ड करना है। अब देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद डायरेक्ट बस यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से एक बार बैक स्टिच से लेंगे हम लोग, उसके बाद हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब जहाँ पे हमारा ये एंड पॉइंट है ना, वहां से हम लोग को देखना है कि डोरी एकदम किनारे ही रहनी चाहिए, बीच में नहीं जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से लटकन पे हम लोग एक से दो बार सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैं जो इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट कर ले रही हूँ। अब हम इसे कुछ सीधा करेंगे। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे इसे सीधा कर लिया और देख रहे हैं, ये जनरली इस तरीके के लटकन जो है ना, एक कोन शेप में बनने चाहिए और नीचे से राउंड शेप आना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है जिससे हमारा ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर कुछ दिन बाद जब आप इसे सूट या ब्लाउज में अटैच करेंगे तो इसमें से हल्के हल्के धागे इस तरीके से निकलते रहेंगे, तो देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। तो आपको करना ये है कि आप कुछ इस तरीके से इसे उल्टा कर लीजिए। फिर स्टार्टिंग में ही जब आप यहाँ पे इस तरीके से जब स्टिच कर रहे थे ना, तब वहाँ पे आपको करना ये है कि आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से लगभग 1.25 इंच कपड़ा जो है ना, ये डबल ही, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों कपड़ा जो है वो हमें डबल ही लगभग 1.25 इंच इस तरीके से ऊपर की साइड मोड़ देना है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक बैक स्टिच जरूर लगानी है। अगर आप बैक स्टिच नहीं लगाएंगे तो आपका लटकन जो है वो खुलने लगेगा। देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेडी हुआ है। अगर आप इसे कुछ इस तरीके से सिलेंगे ना, तो आपका लटकन बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगा और फिर नीचे से इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस लटकन का लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये बिल्कुल भी दूसरे साइड से नहीं दिखता, एकदम राउंड शेप में लग रहा है। ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा ये टाइट है, नहीं तो अगर आप सिंथेटिक कपड़े से बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लुक आता है इसका। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।